एंड लाइफस्टाइल के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसन और उनके बेनिफिट और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। योगा एंड लाइफस्टाइल, ये यूनिट 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दोस्तों इस वीडियो में मैं उन सभी 6 पार्ट्स को कवर करूंगा। तो पहला पार्ट है आसन। तो जब हम किसी भी जगह पर एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं तो उसे ही हम आसन कहते हैं। आसन एक प्रिवेंटिव मेजर है जो कि हमें लाइफस्टाइल से रिलेटेड और एनवायरमेंट रिलेटेड डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस का मतलब होता है अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और जो एनवायरमेंटल रिलेटेड डिसीज होती है वो होती है कोल्ड, कफ, फीवर एक्सेट्रा। दोस्तों आसन करने के कुछ बेनिफिट होते हैं, तो आइए हम एक एक करके उन सभी बेनिफिट्स को देखते हैं। तो पहला बेनिफिट है बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्गर। मतलब अगर हम डेली योगा करते हैं तो हमारे बोन्स और जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इससे एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी हाइट भी बढ़ सकती है। सेकेंड बेनिफिट है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। मतलब अगर हम रेगुलरली योगा करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, और इससे हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के होने का खतरा भी कम हो जाता है, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी एकदम नॉर्मल रहता है। थर्ड बेनिफिट है इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड। मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी एकदम मजबूत हो जाता है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि हमें एनवायरमेंटल डिसीजेज जैसे कफ, कोल्ड, फीवर इनसे बचाता है। तो अगर हम रेगुलरली योगा करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फोर्थ बेनिफिट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम मोर एफिशिएंट। मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी योगा करने से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं और स्ट्रांगर बन जाते हैं, क्योंकि बेसिकली योगा और आसन ब्रीथिंग का ही गेम है। हम इसमें जो हमारी ब्रीथिंग टेक्निक है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर हम रेगुलरली आसन करते हैं तो इससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और इसका लास्ट बेनिफिट है मसल्स बिकम स्ट्रांग। मतलब अगर हम रेगुलरली योगा करते हैं तो हमारी मसल्स है वो भी एकदम स्ट्रांग हो जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको खुद कुछ आसन करके बताऊंगा, और फिर आसन होने के बाद मैं आपको उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा। तो चलिए हम टेरिस पर चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट आसन जो कि एग्जाम में आते हैं। दोस्तों मैं आपको इन सभी आसन को करके भी बताऊंगा जिससे आपको स्टेप्स याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। सभी आसन करने के बाद मैं आपको इनके बेनिफिट्स भी बताऊंगा जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि इसके फायदे क्या होते हैं। दोस्तों मैंने बाकी के आसन भी अपने ब्लॉग पर लिख रखे हैं, और मैंने वहाँ पर भी उनकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप्स और उनके बेनिफिट्स लिख रखे हैं जिससे आपको आसन समझने में और याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहला आसन है ताड़ासन। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके स्टेप्स। स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, लिफ्ट योर आर्म अपवर्ड्स एंड स्ट्रेच योर हैंड्स, रेज योर हील्स एंड कम ऑन योर टोज, ऑल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड्स, आफ्टर सम टाइम ब्रीद आउट स्लोली एंड कम टू द प्रीवियस पोजीशन। तो दोस्तों अभी आपने देखा था ताड़ासन, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है, मतलब हमें इस आसन को क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों इसका पहला बेनिफिट है इट इम्प्रूव्स मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस। मतलब ये हमारे मेंटल और फिजिकल बैलेंस को इम्प्रूव करता है। सेकंड है इट इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर दोज हु वांट टू इंक्रीज देयर हाइट। मतलब आप में से कुछ लोग अगर हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये एक एक्सीलेंट आसन है। थर्ड है इट इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर। मतलब जो हमारा बॉडी पोस्चर है, बैठने की जो हमारी पोजीशंस होती है, ये जो भी हमारा पोस्चर होता है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। सेकेंड आसन है वृक्षासन। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके स्टेप्स। स्टैंड इरेक्ट, कीप द फीट टुगेदर, फोल्ड द राइट लेग एंड प्लेस इट एट द टॉप ऑफ लेफ्ट थाई विद द टोज ऑफ राइट लेग शुड बी पॉइंटेड डाउनवर्ड्स, द राइट लेग शुड बी परपेंडिकुलर टू द लेफ्ट लेग, नाउ एक्सटेंड योर आर्म्स अबव योर हेड, इनहेल एंड ट्राई टू मेक नमस्कार मुद्रा विथ योर पाम्स, balance the pose as long as you can because balancing is the most important in this pose, try to make your spine straight and feel the stretching from toes to finger. तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा वृक्षासन करने के benefits. तो इसका first benefit है it strengthens the spine. मतलब जो हमारी spinal cord है ये उसको strengthen करता है। और सेकेंड है इट टोन्स द मसल्स ऑफ लेग। मतलब जब हम लेग को ऊपर उठाते हैं तो इससे हमारी लेग वाली मसल्स भी टोन अप हो जाती है।
थर्ड आसन है वज्रासन। अब मैं आपको बताता हूँ इसके स्टेप्स। नील डाउन ऑन द ग्राउंड विथ योर नीज एंकल्स एंड टोज टचिंग द ग्राउंड। योर टोज शुड बी स्ट्रेच्ड बैकवर्ड। नाउ प्लेस योर पाम्स ऑफ बोथ हैंड्स ऑन द नीज। द अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट एंड एट दिस टाइम द ब्रीदिंग शुड बी डीप इवन एंड स्लो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा वज्रासन करने के बेनिफिट्स। तो इसका पहला बेनिफिट ये है कि इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। मतलब आप जो कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए बादाम खाते हैं, चने खाते हैं, अब आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वज्रासन को करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड है इट एनहांसेस मेमोरी। मतलब जो आपकी मेमोरी लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड बेनिफिट है इट क्योर्स मेंटल स्ट्रेस। मतलब जो डे टू डे लाइफ का हमारे पास मेंटल स्ट्रेस होता है उसको भी वज्रासन क्योर करता है। फोर्थ आसन है भुजंगासन। अब मैं आपको बताता हूँ इसके स्टेप्स। लाई डाउन ऑन द बेली ऑन ग्राउंड। कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर्स एंड कीप योर लेग्स क्लोज टुगेदर। नाउ स्ट्रेंथन अप योर आर्म्स स्लोली। रेज द चेस्ट। योर हेड शुड टर्न बैकवर्ड्स। कीप द पोजिशन फॉर सम टाइम। देन गेट बैक टू द फॉर्मर पोजिशन। फॉर गुड रिजल्ट्स परफॉर्म दिस आसन फॉर 4 to 5 टाइम्स। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि भुजंग आसन करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट है इट एलिवेट्स ओबेसिटी। मतलब जो भी ओबेस पीपल है अगर वो इस आसन को करते हैं तो उनकी ओबेसिटी हट जाएगी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। अगला पॉइंट है इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। मतलब अगर आप भुजंग आसन को रेगुलरली करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। थर्ड बेनिफिट है इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। मतलब अगर आप इस आसन को डेली बेसिस पे करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट है इट क्योर्स द डिसीज ऑफ लिवर। मतलब अगर आपको कोई लिवर की डिसीज है तो वो भी भुजंग आसन करने से दूर हो जाएगी। अगला टॉपिक है ओबेसिटी। तो दोस्तों ओबेसिटी बॉडी की वो एक कंडीशन है जिसमें बॉडी का फैट एक एक्सट्रीम लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। ओबेसिटी को हिंदी में कहते हैं मोटापा। दोस्तों ओबेसिटी 3 तरह की होती है, ओबेसिटी लेवल 1, 2 और 3। जब BMI की वैल्यू 30 से ग्रेटर आती है तो उस पर्सन को हम ओबेस कहते हैं। अगला टॉपिक है डायबिटीज़। तो दोस्तों डायबिटीज़ एक डिसीज़ है जिसमें बॉडी की इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और इससे जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली डायबिटीज़ में होता क्या है। तो जब हम किसी भी फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड को शुगर और ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है ताकि जो हमारे सेल्स हैं उनको एनर्जी मिल सके। अब सेल्स तक एनर्जी पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियास नाम का एक ऑर्गन सिक्रीट करता है। तो इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा जो भी प्रोड्यूस शुगर और ग्लूकोज है उसको सेल्स तक पहुँचाता है ताकि सेल्स को एनर्जी मिल सके। अब जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उसमें यह होता है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है। इसके कारण जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम शुगर और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है वो ब्लड में मिल जाता है और इसके कारण किसी भी पर्सन को कुछ सीरियस डिसीज़ हो सकती है जैसे कि हार्ट फेलियर या फिर किडनी फेलियर। दोस्तों डायबिटीज़ से बचने के लिए भी हमें योगासन ही करना चाहिए। अगला टॉपिक है अस्थमा। दोस्तों अस्थमा एक लंग्स डिजीज़ है जिसमें लंग्स में जो प्रेजेंट एयरवेज होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं या फिर वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। दोस्तों अस्थमा से बचने के लिए भी हमें योगा करना चाहिए। अगला टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर को ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है ब्लड प्रेशर। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक पाइप में पानी बह रहा है तो पानी पाइप की वॉल्स पर कुछ प्रेशर लगाता है। और अगर हम इसको हमारे ब्लड प्रेशर वाले सिनेरियो से रिलेट करें तो जो हमारा ब्लड होता है वो एक ब्लड वेसल्स में से फ्लो करता है और ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर पाइप जैसा ही होता है। तो जब ब्लड उस ब्लड वेसल्स में से फ्लो करता है तो ब्लड ब्लड वेसल्स की वॉल पर कुछ प्रेशर लगाता है और उसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। दोस्तों जनरली इसकी कुछ लिमिट होती है और अगर इस लिमिट के ऊपर वो ब्लड अगर उस वेसल्स पे प्रेशर लगाता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करने के लिए हमें आसन करने चाहिए क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और इससे ब्लड प्रेशर भी हमारा नॉर्मल रहता है। अगला टॉपिक है बैक पेन। तो ये भी बेसिकली एक पेन है जो कि जॉइंट्स मसल्स और बोन्स में होता है। ये बेसिकली लंबर रीजन में होता है।
लंबर रीजन वो रीजन होता है बॉडी का जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे होता है। दोस्तों बैक पेन को रिमूव करने के लिए भी हमें कुछ आसन करने चाहिए। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आसन, मतलब आसन क्या होते हैं। तो जब हम किसी भी जगह पर कंफर्टेबल पोजीशन में कुछ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बैठते हैं तो उसे हम आसन कहते हैं। टू सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवरलास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ओबेसिटी, मतलब ओबेसिटी का मतलब क्या होता है। तो ओबेसिटी का हिंदी मतलब तो होता है मोटापा, और ये एक बॉडी की कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो बॉडी का फैट है वो एक एक्सट्रीम लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। Obesity is that condition of the body in which amount of fat in the body increases to an extreme level. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पिनअप कर रखा है। आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों मेरे इस एफर्ट पर एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, इससे उनको फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ अच्छे नोट्स भी बना रखे हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उन नोट्स को भी पढ़ लीजिएगा, इससे आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।